लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले 5 नगर निगम चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया है। हो भी क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले हो रहे इस चुनाव को प्रदेश की 3 प्रमुख पार्टियों में 2 बीजेपी और इनेलो अपनी पार्टी के जनाधार को तोड़ने का मौका मान रही है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पर सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन 5 नगर निगम में से 3 नगर निगम में पार्टी समर्थित उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रोहतक में पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर 2 घंटे चली कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद रोहतक से मेयर पद के लिए सीताराम सचदेवा को पार्टी का समर्थित उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलने से सीताराम सचदेवा खुश दिखे। उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम हुड्डा का धन्यवाद दिया और अपनी जीत का दावा किया। तमाम सिंबल पे आपको भी गाड़ी रखी थी 50 साल जी, और उसके लिए बहुत तैयारी की कॉर्पोरेट में या इसमें सिंबल पे नहीं लगे, लेकिन कुछ साथी थे उन्होंने सब में एक होकर फैसला किया, एक समर्थन दिया। पार्टी सिंबल का असर होता ही होता है, ये बात नहीं होती, पार्टी सिंबल का असर होता है, पर हमारी जो वर्कर है ना और जो हमारे लीडर हैं सारे 24 घंटे इलेक्शन लड़ेंगे और जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह की झोली में साहब का आशीर्वाद मिल गया आपको। बिल्कुल मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया जी, उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हिसार में कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक कर बीजेपी के बागी रेखा एरन को पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया। रेखा एरन बीजेपी में मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर कांग्रेस की झोली में चली गई और हिसार कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें सिर माथे पर लिया। 2 घंटे के अंदर उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जिंदल हाउस से और भजनलाल जी की तरफ से 2 कम से कम 9 या 10 कैंडिडेट तैयार हो गए थे, जिसके कारण वोट का विभाजन हो जाता। तो वोट का विभाजन रोकने के लिए और भाजपा को रोकने के लिए हमने जो सावित्री जी ने कैंडिडेट यहां से चुना है उस पर कुलदीप जी ने मोहर लगाई है, क्योंकि भाजपा से सिर्फ हिसार ही नहीं पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी है। क्योंकि ये देखिए, मेरा और कुलदीप जी का साझा उम्मीदवार है, वैसे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, तो कांग्रेस जब पार्टी सारी साथ मिलके लड़ेगी, और मैं तो अपने हिसारवासियों से सभी से मैंने कहा था कि आप जिसको भी कहेंगे मैं उसको उसके लिए तैयार हूँ, तो मेरे सारे हिसारवासियों ने मुझे इनका नाम सुझाया और उसके बाद मैंने भी इनके नाम पर मोहर लगाई और आपके सामने है। वहीं यमुनानगर में कांग्रेस ने मेयर पद पर राकेश शर्मा उर्फ काका पर अपना विश्वास जताया और कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही पार्टी नेताओं ने निगम चुनाव में राकेश शर्मा की जीत का भी दावा कर दिया। हमारी जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने मिलके ये फैसला लिया है कि श्री राकेश काका जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे मेयर का यहाँ से, और हमारी जो लड़ने का कारण ये है कि भाजपा आज प्रदेश में भी देश में भी पूरी तरह से असफल है, फेल है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जो रोजगार के मुद्दे दिए थे उनमें विफल है, और जितने भी वायदे देश की या प्रदेश की जनता से किए थे उन सब में विफल रही है। हालांकि प्रदेश में 5 नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस ने अभी 3 नगर निगम के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का ऐलान किया है, बाकी 2 नगर निगम के लिए जल्द समर्थित उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले होने वाले इस चुनाव में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए पार्टी सिंबल पर नहीं समर्थित उम्मीदवार के सहारे सियासी चाल चल रही है, ताकि समर्थित उम्मीदवार की जीत से कांग्रेस की जीत मानी जाए, हार हुई तो उम्मीदवार की हार, यानी कि हींग लगे ना फिट करी और रंग हो चोखा। हिसार से महेश कुमार के साथ, रोहतक से विनोद लांबा, यमुनानगर से राहुल सैजवानी, टोटल न्यूज़।